एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स की बात। मैं बिजॉन और आज मैं आ गया हूँ और एक मूवी लेके जो निकला है नेटफ्लिक्स में। आप सभी समझ चुके होंगे, यस आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेज सीरियल किलर। शुरू करने से पहले मैं आपसे हर रोज एक चीज जरूर पूछता हूँ, कैसे है आप सब? लेकिन सच पूछो तो आज मैं वो पूछने का भी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले देखिए इंडिया तथा पूरा वर्ल्ड का जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से हालत है, लाखों के ऊपर जान गंवा चुके हैं हम एक छोटी सी वायरस की वजह से, और ऊपर से लास्ट दो दिन में बॉलीवुड के लिए जो दो दुखद संवाद है सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चोटिल कर गया है हमारे मन को भी। ऋषि कपूर जी भी बहुत दिन से कैंसर में सफ़र कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऋषि कपूर से हम लोगों ने बहुत कुछ मिला और उनको हम लोग बहुत दिन से बहुत कुछ जानते थे, उनका बहुत सारा मूवीज़ बचपन से देखा है, तो ऋषि कपूर का चले जाना भी मुझे बहुत दुखित करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं कंपेयर नहीं हो सकता कि किससे ज़्यादा दुख मिला है, लेकिन इरफान खान का चले जाना, मतलब कहीं ना कहीं हम सभी जानते थे कि इरफान खान का जो फिर से रिलैप्स हुआ है शायद वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका चले जाना कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए मानना बहुत ही, और हमारे लिए भी मानना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि बहुत ही कम मिला है उनसे और ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन भगवान का अल्लाह का जो भी मर्जी। तो सबसे पहले तो मैं बस इतना कहूँगा कि इरफान खान एंड ऋषि कपूर दोनों के लिए कि आप लोग लेजेंड्स हैं एंड आप कभी भुलाए नहीं जाएंगे। आपके काम की वजह से आज से 100 साल बाद जाके भी लोग आपको याद करेंगे। तो हम लोग बस यही प्रे करते हैं आप लोग जहाँ पर भी हो अच्छे रहो। तो शुरू करते हैं, आज मैं कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ करना। ऐसे सिचुएशन में देखिए करने बैठना पड़ता है कि कैसा बना है या फिर, लेकिन मैं पहले ही कहूँगा कि उतना अभी थोड़ा तो मूड बिगड़ा हुआ था, उस पर से ये देख के कुछ मतलब दिमाग का और ख़राब हुआ पड़ा है। तो पहले देखिए मैं कहानी तो पूरा बयां करने वाला हूँ नहीं, शुरू करते हैं। ये बोलेंगे कि डायरेक्शन, प्रोड्यूस्ड, स्टारिंग क्या क्या है, सिनेमाटोग्राफी कैसा हुआ है, लाइटिंग कैसा हुआ है, और लास्ट में जाके मैं थोड़ा कहानी बता के एंडिंग एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अभी ये सुन सकते हैं कि अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप अभी ये सुन सकते हैं। स्पॉयलर्स देने से पहले, मतलब एंडिंग एक्सप्लेनेशन से पहले, मैं पहले ही आपको बोल दूंगा कि अभी मैं स्पॉयलर अलर्ट दे रहा हूँ, आप लोग जाके पहले, जिन लोगों को स्पॉयलर नहीं चाहिए वो जाके देख के आ सकते हैं, और अगर देख लिया है तो पूरा वीडियो आप देख ही सकते हैं, कि मतलब सुन ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन, शिरीष कुंदन। तो शिरीष कुंदन के सब लोग ही को पता है कि जो व्यक्ति इससे पहले जोकर जैसा मूवी डायरेक्ट कर चुका है और 30 मार खान और जोकर जैसा मूवी लिख चुका है, तो उनको लेके ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि ये जो मिसेस किलर निकला है वो कैसा है। उनका इससे पहले भी यूट्यूब में और एक शॉर्ट फिल्म निकला था जिसका नाम था कृति, जिसमें भी मनोज वाजपेयी थे और राधिका आप्टे थे, तो उन दोनों की वजह से तब भी अच्छा लगा था। और ये सीरीज़ भी मैं बहुत मतलब एक्साइटेड था कि मनोज वाजपेयी मेरा एक बहुत ही फेवरेट एक्टर है। जैकलिन फर्नांडिस भी सेकेंड नेटफ्लिक्स के साथ काम कर रहा था, इसके पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो ड्राइव में किया था वो तो पूरा कैसा हुआ था सबको पता है, तो ये सेकेंड वर्क है जैकलिन फर्नांडिस का। तो मैं वेट कर रहा था और ट्रेलर देख के भी मुझे लग रहा था कि अच्छा ही होगा शायद। मोहित रायना को भी मुझे बहुत पसंद है, वो जब भगवान शिव बने थे तब से मुझे पसंद है वो एक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं जाके डिसअपॉइंटमेंट हुआ या सच में अच्छा लगा, वो एक्सपेक्टेशन रीच कर पाया वो तो बात करेंगे। एक्टिंग में कहूँगा कि मनोज वाजपेयी एज यूजुअल जैसा करते हैं करते ही है, जैकलिन फर्नांडिस भी एक्टिंग अच्छा किया है, मोहित रायना भी, देखिए मैं कहूँगा कि जिनको जितना किरदार दिया गया है उन्होंने सही निभाया है, लेकिन आपको वो स्क्रिप्ट में या कहानी में उतना दम थम तो होना चाहिए कि वो एक्टर भी प्रेजेंट कर पाए। मतलब देखिए कहानी में दम नहीं होगा, राइटर में लिखा जो है वो उसमें दम नहीं होगा, तो फिर हम लोग एक्टर एक्ट्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक्टर एक्ट्रेस लोग अच्छा खासा एक्टिंग किया। बेसिक कहानी ये है कि मनोज वाजपेयी एक डॉक्टर होता है, मोहित रायना पुलिस ऑफिसर, जैकलिन फर्नांडिस होती है मनोज वाजपेयी की वाइफ। मनोज वाजपेयी को सीरियल किलिंग के लिए पकड़ा जाता है और पकड़ते हैं ऑब्वियसली मोहित रायना। जैकलिन फर्नांडिस अपनी पति को बचाने के लिए क्या क्या करता है और लास्ट में जाके क्या होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कहानी का बेसिक इतना है, ये स्पॉयलर नहीं है, आप ये ट्रेलर में भी देख सकते हो। सिनेमेटोग्राफी से पहले मैं कहूँगा कि लोकेशन तो आपने चूज अच्छा किया था, लेकिन जो लाइटिंग है, अरे भाई सस्पेंस थ्रिलर किलिंग सीरियल किलिंग ये सब है, मतलब कुछ भी लाइटिंग डाल दोगे क्या? लाइटिंग मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा दिखाने की कोशिश किया गया है। कौन अपने बेसमेंट में डीजे लाइट लगा के ऑपरेशन करता है मतलब ना, तो वो। और जो थोड़ा फाइटिंग सीन्स है, एंडिंग है,
कहाँ सस्पेंस कहाँ थ्रिलर मुझे ज़्यादा कॉमेडी लगा, और बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। ट्रेलर देख के ही समझ आ गया था थोड़ा, और मूवी देखते देखते बाकी समझ आ गया, तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। ऊपर से एक्शन सीन्स का कॉमेडी बन गया है, क्लाइमैक्स का भरता बन गया है, गाली नहीं देख सकता ना, तो उसको मैं भरता कहती हूँ, ठीक है। तो ये है बेसिक। अभी मैं जाऊँगा कि इसका जो एंडिंग है एक्सप्लेन करूँगा। तो इधर से शुरू होता है स्पॉयलर, तो अगर आपको स्पॉयलर नहीं सुनना है, नहीं जानना है, तो कृपया जाके नेटफ्लिक्स में देखिए या फिर कहीं से भी डाउनलोड करके देख लीजिए, उसके बाद आके सुनिएगा ज़रूर। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि आप सीरियल किलर का बॉलीवुड में एक ही जैसा थोबरा क्यों होता है, एक ही जैसा उसका क्यों बाल एक तरह से लटकता है, क्यों सब फेस कटिंग एक ही होता है। मनोज वाजपेयी को ऐसे ही सजाया गया था, और ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। मनोज वाजपेयी को अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं सीरियल किलर ही होना था, क्योंकि उनका ट्रेंड ने बनाया था सीरियल किलर की जैसा। हम लोग की तो सीरियल किलर को मतलब एक चश्मा पहना दो, एकदम सिंपल सा व्यक्ति दिखाओ, और लास्ट में जाके बूम वही सीरियल किलर। मतलब क्या, मतलब क्यों? आप लोग क्या लगता है कि जो देख रहा है दर्शक इतने बेवकूफ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता? आपको ट्रेलर देख के आधा चीज समझ आ रहा था। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मूवी जो है वो मिस्टर ब्रुक्स जैसे शुरू होता है, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा या फिर जाके गूगल करके देख सकते हैं। और नाम ही देखिए, वो मिस्टर ब्रुक्स से भी थोड़ा मिसेस सीरियल किलर जैसा लिया गया हुआ है। स्टोरी लाइनअप यही होता है कि जैकलिन फर्नांडिस के पति को, मतलब मनोज वाजपेयी को पकड़ा जाता है, मोहित राणा ने पकड़ता है, और मिस्टर रस्तोगी बोल के एक लॉयर होता है जो जैकलिन को ये सजेस्ट करता है कि और एक ऐसा ही सीरियल किलिंग का कारोबार करना पड़ेगा कि प्रूफ कर सको कि असल सीरियल किलर अभी बाहर है, मतलब अंदर जो है मनोज वाजपेयी वो सीरियल किलर नहीं है। और इस बीच में कुछ लव ट्राइंगल भी आता है मोहित रायना के साथ, लेकिन अल्टीमेटली सभी को, बहुत शायद पहले से, मुझे सिर्फ नहीं, सभी को पता चल गया था कि मनोज वाजपेयी है। तो अभी हम लोग, तो देखिए कहानी के डिस्कस करने से पहले ये हम लोग, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 30 मार्का का राइटर, जोकर का राइटर रह चुके हैं सुरेश कुंदर, तो उनके बारे में तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। उनका एक शॉर्ट फिल्म भी आया था कृति, जो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, वो भी कहा गया था कि शायद कॉपीड है एक नेपाली मूवी से, तो उसको लेके भी काफ़ी चर्चा हुआ था। तो बहुत बड़ा कहानी है, आप गूगल कर लो, वो बेहतर रहेगा। और अगर आप चाहते कि इस टॉपिक में ये एक वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जाए, तो कमेंट में डाल दो, तो मैं फिर आपको चाहिए होगा तो मैं इस टॉपिक के अंदर और एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, लेकिन अभी मैं ये छोड़ देता हूँ। तो जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मनोज वाजपेयी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। अभी एंडिंग जो सीन होता है, उधर में जाके क्लाइमैक्स में क्या बकचोदी यार, डॉक्टर बेसमेंट में डीजे लाइट लगा के ऑपरेशन कर रहा है तीन दर्शकों के सामने, मतलब जैकलिन फर्नांडिस, मोहित रायना और जो, और एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी ज़ायन मारी, तो उनका बॉयफ्रेंड सिड जो होता है उसको तीनों को बांध के रख के ज़ायन मारी का ऑपरेशन कर रहा है। ऊपर से डीजे लाइट आ रहा है, डॉक्टर नाच रहे, कैसा सीरियल किलर है सच में यार, क्यों? ये भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि वो मिस्टर रस्तोगी जो है वो शायद मिला हुआ है। अभी कोई सीरियल किलर के साथ क्यों मिला हुआ है उसका तो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। जो भयानक बात यह है कि मूवी को खत्म किया गया है कि मोहित रायना मारता तो है मनोज वाजपेयी को, लेकिन उन्हें बचाने सुपरमैन की तरह आ जाता है मिस्टर रस्तोगी और मिसेस रस्तोगी, और हॉस्पिटल में जहां सब लोग सोचे थे कि मनोज वाजपेयी मर चुके हैं, डॉक्टर उन लोगों को रिवाइव कर लेता है, बचा लेते हैं, और उनको फिर उठा के ले चले जाते हैं कौन, मिस्टर रस्तोगी और मिसेस रस्तोगी। तो भयानक बात यह होगी कि इसका भी सेकेंड सीजन आ सकता है, मतलब सेकेंड पार्ट आ सकता है। मिस्टर सुरेश कुंदन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मत करो यार पैसा बर्बाद प्लीज, और हमारा टाइम भी बर्बाद मत करो। तो अल्टीमेटली एनी एक्सप्लेनेशन में इतना दे सकता हूँ कि दिखाया जो गया है कि मिस्टर रस्तोगी के साथ पहले से ही मनोज वाजपेयी का लिंक था, और मनोज वाजपेयी क्यों सीरियल किलिंग कर रहा था वो भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। दिखाया गया है कि मनोज वाजपेयी भी शायद बचपन में उनकी माँ की द्वारा डंप किया गया हुआ था, मतलब उनकी माँ शायद अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण से उन्हें डंप कर देती है, उन्हें किसी ने अडॉप्ट किया था और फिर उनके ऊपर शायद सेक्सुअल कुछ हैरासमेंट हुआ था। तो उन्हें लगता था कि जो भी लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है वो सब होर होती है, बीच होती है, तो और उनके बच्चों को भी पैदा होके ऐसे ही जिल्लत का सामना करना हो सकता है। तो वो एक गायनोकोलॉजिस्ट होने की वजह से उनके पास जितना भी ऐसा केसेस आता था कि शादी से पहले लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, उनका बच्चा गिरा के, मतलब एबॉर्शन करके फिर उस लड़की को मार डालते थे मनोज वाजपेयी। अपने बचपन की जो डर था, ऑर्फनेज होम, फिर एडॉप्ट होके सेक्सुअली हैरेसमेंट, इन सब रीजन की वजह से उनको लगता था कि हर बच्चा जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई औरत से पैदा होगा उन्हें ऐसे ही जिल्लत भोगना पड़ेगा, और वो हर लड़की वैसे ही खराब चरित्र का होता है, इसीलिए उन सब लड़कियों को मार देता था। ये हो था कि सीरियल किलिंग के पीछे वजह। अभी देखिए और एक बात, अचानक से क्लाइमैक्स सीन में हमें जाके क्या पता चलता है कि मोहित की बहन को भी ऐसे ही मार डाला था मनोज वाजपेयी ने। अभी मोहित जब जाता है मनोज वाजपेयी के पास, तो मनोज वाजपेयी उसे भी मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चला जाता है कोमा में, जो 2 साल बाद आके इस शहर में आता है खुद का ट्रांसफर करवा के मनोज वाजपेयी को पकड़ने के लिए। अभी आप मुझे एक बात बताइए,
कोई सीरियल किलर है जो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो इनोसेंट है, तो वो मोहित को देखते ही मार दिया, बात ही करने की कोशिश नहीं किया। अभी एक पुलिस ऑफिसर को आप मारे तो उस पुलिस ऑफिसर का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, चलो मान लिया इन्वेस्टिगेशन में कुछ पकड़ा नहीं गया, 2 साल बाद जब मोहित वापस आया तब भी तो वो कंप्लेन कर सकता था कि ये डॉक्टर ही शायद खूनी है, इसी ने मुझे मारा है, उतना कंप्लेन से भी तो बन सकता था काम। मतलब ये थोड़ा बेवकूफी वाला हरकत नहीं हो गया, मोहित 2 साल कोमा में चला गया प्लॉट को सजाने के लिए, कुछ भी, मतलब ये थोड़ा ज्यादा लगा मुझे। अब डायरेक्टली क्या कम्युनिकेशन था रस्तोगी के साथ ये तो मूवीज में दिखाया नहीं गया है, और मिस्टर रस्तोगी और मिसेस रस्तोगी उसे लेकर भी जाते हैं तो पता नहीं यार क्यों इसका सेकंड आएगा, तो देखना तो पड़ेगा, लेकिन ना आए वही अच्छा। इतना ही है कि एक्सप्लेन करने लायक कि लेके जो जाता है वो रस्तोगी लेके जाता है, और सीरियल किलिंग की वजह मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इतना तक ही है भाई, 5 में से देर ले लो, मतलब इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। मतलब तू एंडिंग एक्सप्लेन, एंडिंग देखोगे ना क्लाइमैक्स, हंसते हंसते मर जाओगे, कहाँ का थ्रिलर, कहाँ का सस्पेंस, नाच रहा है मनोज वाजपेयी हाथ में छोरी लेके, ऊपर से डीजे लाइट आ रहा है, तो कुछ भी नहीं, जुड़ा हुआ पड़ा है दुनिया का भी हमारा भी। और इधर ही खत्म करते हैं ये वाला, और जैसे जैसे निकलते जाएगा वैसे वैसे हम लाते जाएंगे। और एक चीज़ की जितना भी हो सके घर पे रहो, सेफ रहो, सबको मिल के लड़ना है कोरोना वायरस से, और घर पे रहने के लिए कुछ तो काम चाहिए, तो क्या करोगे, बहुत सारा मूवीज है, वेब सीरीज है जो आपको देखना पड़ सकता है, तो अभी पता कैसे चलेगा, तो उनके लिए मैंने, हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारा लिस्ट बना के रख दिया है YouTube में, और उनका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, उधर जाके एकदम लिस्ट देखो, कहाँ मिलेगा वो भी दिया हुआ है, जाके देखो, मजे से घर पे रहो, और इस पैंडेमिक से लड़ने में सरकार के साथ, डॉक्टरों के साथ, पुलिस के साथ आप भी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाओ। तो इधर ही चलते हैं, बाय।